नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है महाराजा अग्रसेन कॉलेज के फाउंडर नंदकिशोर गर्ग। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। सर, पहले तो आप अपने बारे में परिचय दीजिए पूरा। मेरा परिचय दिल्ली के अधिकांश लोग जानते हैं। नंदकिशोर गर्ग हूँ, 1972 से राजनीति में हूँ, 7 चुनाव लड़े हैं, 4 जीते हैं, इसलिए मेरे को दिल्ली की जनता लगभग सब जानती है। ये इंस्टीट्यूट्स हमने 99 में शुरू किए थे और 2003 में हमने यहाँ इनको शिफ्टिंग कर लिया था DDA से इस लैंड, जिसके अंदर आज ये फंक्शन है हमारा वृक्षारोपण का। हम भी दिल्ली के आबोहवा को, वातावरण को ठीक करने के लिए, कैंपस को अधिकतम ग्रीन हो, उसकी कोशिश पिछले कई साल से कर रहे हैं। और इस साल हमने एक महीने में 2100 पेड़ नए लगाने की आज से शुभारंभ है और 5 सितंबर तक ये चलेगा। रोज़ाना 70-80 पेड़ लग जाएं और नए स्टूडेंट से खास तौर पे उनके नाम भी लिखेंगे उस पर, ताकि वो उसको एक साल तक, 4 साल यहाँ रहेंगे, देखभाल करें। और अगले साल हम एक कंपटीशन करेंगे, जिसका पेड़ सबसे ज़्यादा ग्रोथ में आएगा उसको हम 1100 रुपये का कोई ना कोई पढ़ने की सामग्री देंगे, और जो टॉप होगा उसको 11000 रुपये का। तो इसमें हमारा जो ग्रीनरी में हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे ट्रस्टी, हमारे सेक्रेटरी, एक ज्ञान अग्रवाल जी, एक सत्यनारायण गर्ग जी हैं, जो हमारी इको क्लब भी है, और उनके सभी साथी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ मिलके इस कार्यक्रम को कई सालों से हम करते हैं और इस साल इसको बड़े स्केल पे कर रहे हैं। सर, जो आपके यहाँ कॉलेज में आज जो फंक्शन होने वाला है, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें एनवायरमेंट को लेकर दिखाएंगे? एनवायरमेंट के तो आज जो नए बच्चे आए वो देख रहे हैं कैंपस कितना ग्रीन है। अब इसको और अधिक ग्रीन करना, और ख़ास तौर पे जो बाहर का रोड है वो चालू होने के 2-3 साल बाद जब उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो इट विल बी थर्ड रिंग रोड, तो उसके कारण से धूल मिट्टी बढ़े, शोर बढ़े। तो हम ये चाहते हैं कि इतने पेड़ लग जाएँ उस साइड पर कि कोई भी धूल मिट्टी साउंड की शोर कॉलेज कैंपस में ना आए। तो यही हम प्रेरणा देना चाह रहे हैं बच्चों को कि हम अधिक से अधिक वातावरण को शुद्ध कर रखें, साफ रखें। स्वच्छ भारत अभियान में भी हमारा योगदान हो जाएगा, हरित दिल्ली में भी योगदान होगा। तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और सभी जो स्थानीय निकाय हैं, DDA ने हमें वो लैंड दी है टू कीप इट ग्रीन, तो हम सबके आभारी भी हैं। और अपने सारे हमारे ट्रस्टी परिवार इस काम के अंदर बहुत ही मन से लगा हुआ है, और उन सबको बहुत बहुत साधुवाद भी, और सभी विद्यार्थी, सभी हमारा स्टाफ इसको आने वाले दिनों में 13 एकड़ लैंड में सबसे ज़्यादा पेड़ कहीं गिनने हों एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में हमारे यहाँ होंगे। सर, कॉलेज की बात करें तो सबसे आगे यूथ आती है, तो आपके कॉलेज में यूथ का कितना कंट्रीब्यूशन है इस फंक्शन को लेकर? कॉलेज में तो होता ही यूथ है, कॉलेज में आज 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, सारे यूथ हैं ना, क्रीम है यूथ की, सब पढ़े लिखे बहुत होनहार हैं और उन्होंने ही देश को चलाना आने वाले समय, इसलिए वो तो उन्हीं को हम फोकस करके उनको अच्छे कैरेक्टर उनमें आए, अपने देश के प्रति अपना भाव जगें, और हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट करना। जैसे देश का प्रधानमंत्री आज हम सबको लीड कर रहा है बाय हिज एग्जाम्पल, वैसे हम चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन और हम सब मिलके बच्चों को दिशा दें। और शब्दों से कोई नहीं सुनता, काम करने से देखेगा। और हमारा यूथ जो दिल्ली का मोस्ट टैलेंटेड यूथ है जो इस कॉलेज में आया है, वो मोस्ट डेडिकेटेड भी होगा जब यहाँ से पास आउट होगा, ये हमें भरोसा है। सर, आखिरी सवाल, आप इस फंक्शन को लेकर अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो जो बड़ा क्लियर संदेश है कि दिल्ली जो आज रहने लायक यदि शहर रखना है तो हम सबको दिल्ली के ऊपर ध्यान देना होगा, और ख़ास तौर पर इसको अधिक से अधिक ग्रीन कवर कैसे दे सके। अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग, आज बच्चे गर्मी में तंग थे, हमें 100 AC लगाने पड़े, AC सॉल्यूशन नहीं है, वो अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंक देगा तो बाहर गर्म हो जाएगा, परंतु पेड़ अधिक लगेंगे तो अपने आप इसकी सॉल्यूशन होगा। तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होनी चाहिए, पूरे आसपास जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ पेड़ लगाएं पूरे देश, दिल्ली की जनता, यही मैं सबसे अनुरोध करूँगा। थैंक यू सर।